नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आई रुक करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर, और ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मचा हुआ है घमासान, और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। नमस्कार, मैं अमित कश्यप। इस वक्त हमारे साथ हैं जय महाभारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान श्री अनंत विष्णु जी। उनसे पूछेंगे आखिरकार उनकी पार्टी क्या एजेंडे लेके आई है उत्तर प्रदेश में, किस तरह से वे उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे और किन मुद्दों पर लड़ने जा रही है उनकी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हंगामा टाइम्स में। हमारे दर्शकों को बताएं किस तरह से जो है उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी क्या संपूर्ण सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी जी, जय महाभारत पार्टी ये पूरा राष्ट्रीय स्तर पार्टी है, सारा देश के लिए बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का विकल्प है सारा देश के लिए जय महाभारत पार्टी। और जय महाभारत पार्टी आने वाला लोकसभा पूरा 543 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहा है अकेले दम पे। इस वक्त उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर राज्यों में पूरा सीटों पे अकेले दम पे चुनाव लड़ने जा रहा है। खास उत्तर प्रदेश में पूरा 403 असेंबली सीटों पे अकेले दम पे चुनाव लड़ने जा रहा है जय महाभारत पार्टी। जी सर, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या एजेंडे हैं पार्टी के, आपके किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आपकी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और जनता के दिलों में जगह भी बनाने की कोशिश कर रही है। जय महाभारत पार्टी का मेन एजेंडा ये है, खेतबाड़ी किसान लोगों को मजबूत करना है, वो लोगों का तकलीफ हटाना है। गाँव में जो किसान लोगों फसल बोझते, वो फसल को आज तक कोई रेट तय नहीं करते। जय महाभारत पार्टी वो फसल का पहले रेट तय करेगा और उनका फसल उनका गांव में ही बेच के 5 मिनट में पैसा लेने के लिए सरकार का मार्केट यार्ड्स हम गांव-गांव में बनाएंगे, जो किसान लोगों का भला करने के लिए। और साथ साथ जो पूरा बेरोजगारी का सिस्टम, बेरोजगारी यहाँ पूरा 100% हम ख़त्म करने के लिए योजना है। उत्तर प्रदेश में हर अनएम्प्लॉयमेंट को जरूर रोजगार व्यवस्था करने के लिए हमारा एजेंडा है। तो ये सर, सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की समस्या है महिला अपराध, महिला अपराध पर क्या आपकी पार्टी काम कर रही है। तो यत्र नार्यन्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसका मतलब है कहाँ कहाँ नारी का मान सम्मान इज्जत मिलता वहाँ खुद देवी देवता आके नाचता। इसका मतलब जो महिला ही हमारा माँ है, बहन है, सब कुछ है, तो महिला को जो रिस्पेक्ट मिलता वही राज्य कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में आप लोगों पिछले देख चुका है बलात्कार, अन्याय, अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने के लिए, महिला को सशक्तिकरण करने के लिए, महिला को रक्षा करने के लिए मैं भगवान श्री अनंत विष्णु जय महाभारत पार्टी के रूप में आया। जनता आप समझ लीजिए, इस कामयाब होने के लिए आप लोगों में भी भागीदारी बने। और पूरा आज उत्तर प्रदेश में हो या देश में हो, एजुकेशन मेडिकेशन का बहुत बड़ा बोझ है माँ बाप लोगों का, जो इसलिए जय महाभारत पार्टी पूरा उत्तर प्रदेश में प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट मेडिकेशन सिस्टम को बैन करेगा। इसका मतलब प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पूरा बैन करके उसका जगह पे सरकार का हॉस्पिटल्स, सरकार का कॉलेजेस, सरकार का स्कूल्स कई गुना कोने कोने पे मुल्ले पे बना के जनता को फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकेशन और फ्री मेडिसिन सप्लाई देने का हमारा वादा है। इसका मतलब निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना है और निःशुल्क चिकित्सा एवं दवाई का व्यवस्था करना है मुफ्त से। जी, उत्तर प्रदेश में जैसे कि सभी पार्टियां गठबंधन कर रही हैं, कहीं बीजेपी सरकार से, कहीं पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार से, तो क्या आपकी पार्टी जय महाभारत जो पार्टी है आपकी, क्या गठबंधन करेगी या पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में। जय महाभारत पार्टी सारा देश के लिए विकल्प है बीजेपी कांग्रेस के बिना, इसलिए जय महाभारत पार्टी कभी जीवन में कांग्रेस और बीजेपी के साथ कभी गठबंधन नहीं करेगा। और पूरा 403 सीटों पे अकेले दम पे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए हमारा काम चल रहा है, लेकिन जनता को भला करने के लिए और राष्ट्र के हित के लिए, राज्य का, उत्तर प्रदेश का राज्य के हित के लिए कोई लाइक माइंडेड लोगों अगर हमें अप्रोच हुआ उसके बाद तब सोचा जा सकता है। जी सर, अगर आपकी उत्तर प्रदेश में जैसे सरकार बनती है तो सबसे पहले कौन सा काम करेगी आते ही सत्ता में? पहले जय महाभारत पार्टी जो ऊपर वाला भगवान का दया से सत्ता हासिल करने पर
पहले में पूरा उत्तर प्रदेश में फ्री एजुकेशन फ्री मेडिकेशन का फाइल के दस्तखत हो जाएगा और पूरा बेरोजगारी खत्म करने के लिए ये तीन चीज़ों में दस्तखत करने का तैयार है हम लोगों जी। ये थे हमारे साथ में जय महाभारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान श्री अनंत विष्णु जी, जिनसे हमने बात की और जाना किस तरह से जो है आगामी विधानसभा 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की बड़ी बात कह रहे हैं। और उन्होंने बताया कि वह जैसे ही सत्ता में आएंगे तो फ्री एजुकेशन और फ्री क्राइम प्रदेश को करेंगे। और आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स, हम चुनावी रण में आपको दिखाते रहेंगे उत्तर प्रदेश में किस तरह से चुनावी घमासान मचा हुआ है। सहयोगी मोहित के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।